चिल्ड्रेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर ग्रुप्ड इनटू फाइव कैटेगरीज एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेस. चिल्ड्रन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड एंड इट्स मेजर सोर्सेज आर राइस ब्रेड चपातीज पोटैटोज बनानास. इनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लो फूड और इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो हैं फैटी मीट्स एंड फिश चीज़ बटर घी ऑयल चॉकलेट्स नट्स एवोकाडोज एट्सेट्रा. नाउ प्रोटीन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड इट्स मेजर सोर्सेज आर एग्स फिश मीट चिकन मिल्क नट्स पल्सेस एट्सेट्रा. नाउ चिल्ड्रन बोथ विटामिंस एंड मिनरल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड एंड इट्स मेजर सोर्सेज आर फ्रूट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एट्सेट्रा. चिल्ड्रन अपार्ट फ्रॉम दीज फाइव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए वो है वाटर. वाटर के बिना हमारा डाइजेशन स्मूथली और पूरा नहीं हो सकता. ज़िंदा रहने के लिए जितना फूड न्यूट्रिशन ज़रूरी है उतना ही पानी वाटर भी ज़रूरी है. हमें प्रॉपर अमाउंट में भरपूर मात्रा में सफिशियंट अमाउंट में पानी ज़रूर पीना चाहिए फॉर स्मूथ डाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. और इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड वो है रफेज या डाइटरी फाइबर. और ये कहाँ पाए जाते हैं? सैलेड्स में. वो सारी चीज़ें जिन्हें हम रॉ बिना पकाए कच्चा खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सैलेड्स स्प्राउट्स ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें बहुत सारे रफेज होते हैं फाइबर होते हैं. ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं. दे सिंपली पासेस थ्रू द बॉडी अनडाइजेस्टेड लेकिन दे कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन एंड हेल्दी. ओके.